आज का प्रश्न है, एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गया है। एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हमें बताना है कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, पुराना मूल्य है, वो लिखेंगे 50,000, और न्यू प्राइस बढ़ने के बाद का जो प्राइस है वो है 60,000। हमें देखना होगा इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, वृद्धि निकाल लेंगे। वृद्धि हुई हमारी 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000। तो यहाँ पे कुल जो है 10,000 की वृद्धि हुई है। अब हमें बताना है वृद्धि प्रतिशत क्या है, उसके लिए हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होता है हमारा वृद्धि, जो भी वृद्धि हुई है, और बटे में ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल मूल्य है, जो कार का पहला मूल्य था वो, और गुणा में 100। तो वृद्धि हुई है यहाँ पे 10,000 की, और बटे में ओरिजिनल मूल्य 50,000, और गुणा 100। 10,000 से 50,000 पांच बार, और 5 × 10 = 20। तो मूल्य में कुल प्रतिशत हुई है 20% की वृद्धि। कभी अभी आपको मूल्य में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकालना हो, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी वृद्धि या कमी है वो निकालना है, कि कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमेशा वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो बढ़ा हुआ मूल्य जितना भी वृद्धि हुई है वो ऊपर, और ओरिजिनल प्राइस जितना वो पहले था वो हमेशा नीचे रहेगा, और गुणा में 100। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। इस तरह के सवाल बच्चों पेपर में आ जाते हैं, आपको ये आने चाहिए।